तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू गॉड्स एनिमल यूट्यूब चैनल। तो पबजी मोबाइल लाइट की एक न्यू गेम प्ले में आपका स्वागत है। तो आज के गेम प्ले भाई खास इसलिए यार गेम बॉय आया हुआ है हमारी गेम में, देख सकते हो यार हमारे मैच में आया हुआ है गेम बॉय। तो यार भाई देखते हैं यार ये हमें मारता है हमेशा। तो भाई जो भी बंदे चैनल पर नया है यार पहले तो सब्सक्राइब मार देना और लाइक वाला बटन भी दबा देना। और भाई इसकी आईडी भाई रियली कपड़े बिल्कुल सेम है, वही जूते हैं इसके गंदे वाले जो उनसे थे वाइट वाले। तो भाई पिछली बार यार गोट टू सारोपी आया था अपनी गेम में भाई, उसकी वीडियो की लिंक मैं नीचे दे दूंगा यार, जिसने भी नहीं देखी भाई जाके देख लेना। तो भाई उसे फेक बता रहे थे यार बहुत से बंदे कि यार फेक है वो गोट टू सारोपी नहीं है यार, ऐसी किसी की भी वीडियो काट रखी है। तो भाई जिसे भी ये फेक लग रहा है यार, मैंने इसलिए स्टार्टिंग की क्लिप भी दिखाई थी जहाँ पे वो प्लेन पे जब बैठते हुए नहीं है जहाँ की, उधर देख सकते हो यार एक के सैनी वाइटी लिखा था, ये मेरी सेकंड आईडी है और इससे ही मैं खेल रहा हूँ भाई, एक के सैनी वाइटी है तो देख लेना यार, और फेक नहीं है भाई रियल है। फिलहाल यार मैं यहाँ पर उतरा था क्योंकि भाई मेरे को सेव ही खेलना था यार, मैंने सोची थी यार जो मर्जी हो जाए उससे फाइट लेंगे। और भाई किल इफेक्ट में किल मैसेज में देखते रहना भाई उसका नाम आएगा, और भाई बिल्कुल रियल था यार। पहले तो मैंने यहाँ पे उतरा भाई, यहाँ पे मेरे को गन वन सब मिल जाती है, मैं लूट वाट करके भाई निकल लेता हूँ यहाँ से। और भाई यहाँ पे मैं रुका था देख सकते हो 58 बंदे बचे हैं अभी, और इसमें से 40 बचे थे अब तक रुका था मैं यहाँ पे, मैंने लूट वाट ही करी थी। और यहाँ पे मैंने S12 की उठाई थी भाई, मैंने सोची यार क्या पता भाई डुओ वो मैं सोलो वर्सेस डुओ खेल रहा था क्या पता वो डुओ, तो सोलो वर्सेस डुओ में भाई जब एक बड़ा यूट्यूबर है तो भाई थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने S12 की उठा ली थी। तो भाई अब मैं ढूंढता हुआ यार बंदे को ढूंढने लग गया था क्योंकि भाई मुझे रस खेलना था यार थोड़ा सा, तो क्योंकि भाई जीरो खेल हुए थे और 40 बंदे रह गए थे। तो भाई तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ और भाई ऊपर जाता हूँ छत पे, और छत पे से जाते भाई नीचे कूद के फिर मैं रस करने की सोचता हूँ क्योंकि यार सामने मैं सोचता हूँ अपार्टमेंट की साइड या स्कूल की साइड तो बंदे होंगे ही, और जैसे थोड़ी सी आगे बढ़ता हूँ भाई सामने से मेरे को गोलियाँ चलने की आवाज़ आ जाती है, और भाई और सामने गाड़ी भी खड़ी हुई दिख जाती है, और देख सकते हो तो मेरे को पता लग गया था भाई रियल बंदे हैं, और जो गेम में वो होता है भाई वो वहीं होता है। पर भाई आज भी मैं गेम में वो ऐसे नहीं लड़ पाया, तो देख सकते हो एक बंदे ने M4 से गेम में बॉय को मारा, और जिसने गेम में बॉय को मारा था उसको शॉटगन से मारा, मैंने यहाँ पर रिलोड पे लगा दी वरना तो मैं दिक्कत थी, तो इसके भी शॉटगन चेप दी। तो भाई ये देख सकते हो यार जिस बंदे को जिस बंदे ने मारा उस बंदे को हमने मार दिया, नहीं उस बंदे को दूसरे बंदे ने मार दिया, दूसरे बंदे को मैंने मार दिया। तो भाई यार आज भी बच गया गेम बॉय, पर कभी और आएगा तो यार ट्राई करेंगे उसे मारने का, और भाई किसी ना किसी दिन तो मारेंगे यार दोनों आईटी के साथ हुआ था। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी यार मैं नीचे लिंक दे दूंगा भाई जाकर देख लेना। यार यहाँ पे बस मैं बोट वाट मारता हूँ कि भाई यहाँ पे पता नहीं यार गेम बॉय जो भी है वो इतनी गेम प्ले कैसे बना लेता है यार किल की, और वो बोलता भी है शायद कि वो बोट नहीं मारता। और भाई बोट देख सकते हो यार कितने आए थे अभी, मेरे 2 किल थे ऊपर और अब 4-6 किल हो गए, तो 4 बोट मारे थे मैंने इसी जगह पे। तो भाई अगर मैं इतने बोट मार देता हूँ यार तो कैसे बनाते होंगे यार वीडियो, और बोट भाई आते ही हैं यार अभी जब से बैन हुई है जब से तो ज़्यादा ही बोट आ रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं है, बोट आ रहे हैं तो बोट से भाई KD मिलती है, यानी KD बढ़ती है। तो भाई मारा करो यार बोट को, छोड़ने से क्या फ़ायदा भाई, हम नहीं मारेंगे तो कोई और मारेगा उन्हें, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो फिलहाल यार यहाँ पे आया था मैं, और अभी इसमें इस मैच में और भी ख़तरनाक बंदे थे जिन्हें अभी देखना मारते हैं हम। यहाँ पर मेरे को गाड़ी खड़ी हुई मिली डासिया, तो मैं सोच रहा था यार यहाँ पे बंदे होंगे ज़रूर, यहाँ पे मुझे मिलता है बस एक बोर्ड जिसके ऊपर मैं गाड़ी चला देता हूँ और फिर यहाँ से निकलता हूँ। भाई मैं पूरे मैप में ढूँढ रहा था कि यार बंदे कहाँ पर होंगे, बंदे से फाइट लेनी थी मुझे, इसलिए मैं पूरे मैच में यार ढूँढता ही गया बंदे, और जहाँ पर मिले भाई वहीं जा कर मारा मैंने। लगा मैं सामने की साइड जा रहा था, क्योंकि जैसे ही सामने की साइड जाने लगा मैं मेरे को गन फाइट की आवाज़ है, मुझे लगा बंदे होंगे, पर भाई एक बोट निकलता है और वो बोट किसे मार रहा था यार ये तो पता ही नहीं लगा, तो मैंने उस बंदे को ढूंढा भी नहीं, पता नहीं कहाँ भाग गया था। अब देखो बोट मुझे दिखा, मैंने एक ही हम निकाली और स्प्रे से एक स्प्रे से बच गया, और मैंने सोची यार एक स्प्रे से वो बच गया, पता नहीं कैसे बच गया, स्प्रे रोक दिया था इसलिए बच गया, पर मैंने उसके दूसरे बंदे को ढूंढा और मैं गाड़ी से और बंदे ढूंढने लग गया। फिलहाल तो यार मैं पहले यहाँ पर ड्रॉप पे आया था, और पीछे की साइड भाई गन फाइट की आवाज़ आ ही रही होगी क्योंकि भाई गन चल ही रही थी, और यहाँ पे तोप भी थी, तो मैंने सोचा यार तोप वोप तो नहीं उठाएंगे, पर मैं एमओ उठा लेता हूँ यार जैसे कोई चीज़ नहीं उठानी होती, और इसके एमओ भाई कहीं और फेंक देंगे इससे दूसरा बंदा भी ना हार पाए। और इस बंदे का नाम भाई किल मैसेज में बार बार सुना होगा या देखा होगा, ये तो बोट था भाई जिसे मैं चढ़ाने वाला था, पर भाई जिस बंदे को अभी मैं मारूँगा ना उस बंदे का नाम तुमने पूरी गेम प्ले में यार बहुत देखा होगा,
बार बार ना मारा था, वो देख सकते हो पीछे वो बंदा है, तो उसके ऊपर देखना अभी कैसे गाड़ी चढ़ाते हैं। यानी उसे एक बंदा सामने से नोक करता है और उसके ऊपर गाड़ी मैं चढ़ा देता हूँ, यानी फुल फिनिश कर देता हूँ। इसका टीम मेट पता नहीं कहाँ होता है, एसपी था इसका नाम, एसपी मानी। तो भाई इस बंदे ने बहुत बंदे मारे थे इस गेम प्ले में, यानी इस लाल यार इस गेम प्ले में चिकन डिनर हो जाता है। एक दो बोट और मारता हूँ भाई, लास्ट के बंदे भी ऐसे रहते हैं। तो क्या दिखाऊँ यार, खराब यह गेम वही के लिए दिखाया था मैंने। फिर हमने फाइट लिया जाएगा अब इमो वो मैं कुछ नहीं सीधे मारेंगे। समझ में आया हुआ यार, वो ये बंदा यू कह रहा है भाई फैक्ट्री वाले की साइड जाना है। यानी यार ये अपार्टमेंट जो है, ये छोटे से जो अपार्टमेंट होते हैं, एक स्टेडियम की साइड है और एक फैक्ट्री की साइड है। तो फैक्ट्री की साइड बुला रहा था, स्टेडियम की साइड नहीं बुला रहा था मुझे। तो मैं फैक्ट्री की साइड जाऊँगा उस बंदे का चैलेंज एक्सेप्ट करके। और मेरे को चैलेंज नहीं दिया था भाई, उनने ऑल पे सबको चैलेंज दिया था, पता नहीं उसकी आवाज़ नहीं आई या माइक बन करके दिया था। वो बोल रहा था यार स्टार्टिंग में बोल रहा था भाई वो पास आया के कि सबको चैलेंज है, सबको चैलेंज है। और वो बंदा भाई यहीं पे उतरता भी, और मुझे उतरते ही भाई ये टोमी मिल जाती है, यानी थॉमसन। और भाई दो दो टोमी मिल जाती है, और स्टैंडर्ड भी मिल जाता है एक टोमी। मैंने सोचा यार अब तो इसको लिटा ही देंगे, और ऐसा ही होता है भाई, उसको मार देते हैं इजीली। अगर यार यहाँ पे मैं ऊपर की साइड जाता हूँ पहले, तो लूट वाट करने ही सोच रहा, मुझे लग तो रहा था भाई वो नहीं आएगा, पर वो भाई आ ही जाता है। क्योंकि भाई बंदे बहुत बार यू बोल के यार रह जाते हैं और आते नहीं है भाई, और चैलेंज दूसरों को ही दे सकते हैं बस वो, और खुद वहाँ पे आते नहीं। अब मुझे स्टैंडर्ड मिल गया था, और ये फिर देखा तो मैंने एक और टोमी पड़ी है, तो मैंने यार उसे भी ठा लिया, क्योंकि भाई ठीक रहती है दो टोमी और एक तो फुल रिलोड है। 50 गोलियाँ यार बहुत होती है ड्रॉप गन की, मशीन गन की आधी गोलियाँ। यार यहाँ पे मेरे को सामने वो बंदा दिख चुका था, सामने वो घर के अंदर चला गया था स्क्वाड हाउस के, वो देख सकते हो। और भाई मैंने नेट फेंका, तो अपने नेट कहाँ ठीक जाने वाले यार, मैंने कैंसिल करा, पर भाई फेंक देता है यार अपने आप ही, पता नहीं क्यों फेंक देता है। अब मैं साइड भी हुआ यार, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे को लग रहा था कि उसको मेरे को मेरी लोकेशन पता लग गई, तो मैंने सोची यार अब तो ड्रग्स करने आएगा, और ऐसा ही होता है। फिर मुझे आया, उसकी पावर मैंने लो कर दी थी, पता नहीं ऑल पे क्या क्या बोल रहा था। और मैंने भाई से मारना बहुत ही चीज़ था, लूटा वूटा और भाई बढ़िया लूट तो नहीं थी इसके बाद, पर भाई से एक मिल चुकी थी। फिलहाल मैं यार सेंट्रल रोड की साइड आ गया था, और भाई जैसे ही मैं इधर आया यार मुझे आवाज़ सी आई, बिल्कुल हल्की सी आवाज़, पता नहीं आपको आई होगी या नहीं। तो इसके अंदर मेरे को बंदा लगा, तो मैंने यहाँ पे स्मोक फेंक दिया, और भाई ये और या हो सकता है इसे पता लग गया उसकी स्मोक पैक है। यार इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया था, और इसको भाई फिनिश करके यार लग जाता हूँ मैं। और भाई तभी मेरे को थोड़े से और फुश टैप आते हैं, मेरे को लगता है यार इसका टीममेट आ गया। और भाई मैं निकलने की सोचता हूँ यार, धुएं से मैं बाहर निकल ही नहीं पाता, यानी इस स्मोक से पता ही नहीं लग रहा था भाई किधर की साइड जाऊँ यार, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था अभी देखना। अभी तो मैं लूट वाट ही करता था इसके, और 3x, 3x, 1m, 1m की बहुत सारी गोलियाँ, बढ़िया सब कुछ मिल गया था यानी मुझे। और भाई एकदम से यार पैर के निशान आया, मैं सोच रहा यार अब तो गया, अब शायद वो बंदा भी नेड करेगा, क्योंकि भाई स्मोक ही हो रखा है। मैं निकल भी नहीं पा रहा था देख सकते हो, पर भाई एकदम से मैं निकल ही जाता हूँ यार एकदम से। और जब भी वो बंदा मिलता है, पर भाई और सामने से मेरे सामने से ही बिल्कुल पास में भाई सेंटर रोड से एक बंदे ने फ्लेयर भी चला दी थी, मारा और भाई चल दिया यार आगे की साइड। अब आगे जैसे जा रहा था भाई एक और बोट मिला, और फ्लेयर मैंने देखी तो भाई मेरे पास थी, और एक फ्लेयर पीछे भी चल रखी है और दिख रही होगी आपको। भाई एक ही गेम प्ले में दो दो फ्लेयर थी, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, एक तो अपनी होनी चाहिए। एक बोट को मार के मैं और आगे की साइड जाता हूँ, कि भाई आगे जाना ही पड़ता है यार, क्योंकि अब यहाँ पर भी बंदे आने वाले हैं, और देखना भाई क्या ही फाइट होने वाली है यहाँ पर। फिलहाल यार इस बोट को मार के मैं अंदर जाके भाई जाता हूँ, मुझे भाई उस सामने वाले बंदे को यार घिरना था, तो मैं सोच रहा था यहाँ से नॉक आउट करके जब चलेंगे। पहले तो मैं रिलोड विलोड करके भाई ऊपर की साइड जाके टीवी पे लेने लग जाता हूँ, कि यार मेरे 5 ही किल हुए थे और मुझे किल की और जरूरत थी अभी। और यहाँ की फाइट देखना भाई कितना मजा आएगा। मैं सोच रहा था यार पहले नेट वेट ट्राई करता हूँ, पर भाई इतने में यार उधर 2-3 टीमें और आ जाती है, उनकी लड़ाई हो रही होती है। बंदा ये रहा भाई, धुआं निकल गया तो मैं पूरी फोड़ देता हूँ इसे, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी अब। और यार लास्ट में मैं जा सकता था इससे, क्योंकि भाई जोन में जाना पड़ता। अभी एक बंदा ये रहा भाई, पता नहीं कितनी टीमें आ गई थी यहाँ पे प्लेयर को देखते ही, तो मैंने एक बंदे फिनिश किया, ख़त्म ही किया था शायद, नॉक तो हुआ ही नहीं। M249 थी उसके पास मशीन गन, तो मैंने उस बंदे को AKM से यहीं से स्प्रे दे के ख़त्म कर दिया।
मैंने सोचा यार जल्दी से अब रश करते हैं वहाँ पे, क्योंकि भाई उधर फाइट वाइट हो चुकी थी। मैंने नेट फेंक दिया थी उल्टा, और ये नेट पता नहीं यार कहाँ से आया था, ये थोड़ी मेरे से दूर फटा वरना ये ले जाता मुझे को। अब यहाँ पे जैसे आया मुझे लग रहा था यार मोली वोली पता नहीं किसने कर दी भाई, मेरे लिए करी है पता नहीं किसके लिए करी है। तो मैं इसे फिनिश कर रहा था, मैं यार ये डर सा लग रहा था ऊपर ना आ जाए क्योंकि पैर के निशान आए जा रहे थे। तो मैंने सोची यार पहले तो एक ही हम खाते हैं यहाँ से, क्योंकि दो गन होगी तो बढ़िया होगी। और यहाँ पे भाई ड्रॉप में तो ये ओम थी, तो कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला था ओम से, क्योंकि भाई स्नाइपर से क्या कर सकता हूँ मैं क्रॉस रेंज में। भाई इसे फिनिश करना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद निकली M249। तो मैंने सोची यार दोनों एक एम से बढ़िया तो एक M249 ले लेता हूँ, 100 गोलियाँ लोड होगी। तो पहले तो शॉट गन उठ गई थी, पर फिर मैंने M249 उठा ली और इसे रिलोड विलोड किया। तो मैं एमो तो उठा नहीं पाया क्योंकि मुझे पैर के निशान ज़्यादा तेज़ी से आने लग गए थे कि बंदा भाई खड़े मत होना, क्योंकि भाई बंदा कई बार जैसे मैं यहाँ पे मार देता हूँ उसे कैम करता मिल जाता। मैं सोच रहा अंदर है तो मैं, अब वो ऊपर गया, मैंने सोची यार अब तो चल ही जाएगा अभी देखना। जो गलती इसने करी वो इसके टीममेट ने करी, मेरे को लग रहा था यहीं से आएगा। तो पहले यहाँ से डैमेज खड़ा हो गया यार इसका टीममेट, तो इसके हेड वेड लगे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इनको मार दिया इजीली, 8 किल हो चुके थे अपने। और यहाँ से यार मैं सोचता हूँ एक ये उठा लेता हूँ Kar92, क्योंकि 4x अपने पास था। फिर मेरे को यार एकदम से याद आती है यार 4x तो था, पर भाई Kar98 की क्या जरूरत है जब ओ मैं भाई ओम का डैमेज ज़्यादा हर चीज़ ज़्यादा। तो भाई हर बंदा यार ओम ही उठाएगा Kar98 को छोड़ के, पर भाई एक बंदा उठा सकता है जो कि भाई मिशन करना हो अगर किसी को तो वो उठा सकता है Kar98, वरना हर बंदा भाई ओम ही उठाएगा। फिलहाल यहाँ पे आ गया था मैं गाड़ी लेके, और यहाँ पे ऊपर की साइड जाके मैं थोड़ी देर रुकता हूँ यहाँ पे। भाई कहीं तुम लोग यार ये सोचने लग गए हो ये हेल्थ भाई किसी बंदे ने मारे, नहीं भाई यार जून की जोन के अंदर से आया था मैं गाड़ी चला के, तो उससे हेल्थ कम हो गई थी। अब मैं यार यहाँ पे थोड़ा बहुत चेक करता हूँ इसको खोल के, और भाई कोई नहीं दिखता। फिर यार मेरे को एकदम से एक बंदा स्पॉट हो रहा है इसको भाई, अब ये भाग पता नहीं किधर रहा था, खुले में आ रहा था यार, इसे शायद समझ में नहीं आया कहाँ कहाँ पे बंदे हैं। अब लास्ट वाले बंदे के फाइट देखने आना, मैं पहले टीम अप कर रहा था, पर भाई जैसे इन्होंने शॉट दिया ना M24 का, तो अभी M24 वर्सेस स्नाइपर का मैच बन गया था। मैंने सोचा यार अब तो इसके कड़क वाला शॉट देना पड़ेगा, और उस शॉट के लिए यार जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब मार देना, और जिसने लाइक और सब्सक्राइब दोनों नहीं किया भाई दोनों ही मार देना यार। तो अब इस पूरी फाइट को देखो यार, पहले तो मैं ऐसे ही मार रहा था जैसे वो थोड़ी सी ऊपर की साइड उठ रहा था। मैंने सोचा यार मेरे पास तो Level 3 का हेलमेट है, पर भाई M24 कुछ भरोसा नहीं है M24 का भी, क्योंकि ओम का सबसे ज़्यादा डैमेज है M24 का उससे कम, और Kar98 का उससे कम। तो मैं हिल विल आके मार रहा था, पर उन्हें थोड़ी देर बाद तेज़ी दिखाने लग गया भाई, वो दूसरी साइड से आने लग गया। मैं यहाँ पर बचा भाई बाल भाई, वरना मैंने इसको वहीं खोल रखा था ना यार, ये लिटा देता है यानी मार ही देता है। अब लाल यार मैं एकदम से दूसरी साइड गया, अब मैंने भी तेज़ी दिखाई और भाई इसको बढ़िया वाला हेडशॉट दे दिया। उस हेडशॉट के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो यही था आज का गेम प्ले, आपको पसंद आया, कल मिलते हैं अगली गेम प्ले में।